हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे के सारे बच्चे चेक करके मुझे बता देंगे जरा, इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? क्या सभी को आवाज क्लियर है? क्या जी, एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? आवाज तो सही लग रही है मेरे को, नहीं? आप लोग भी जरा एक बार चेक कीजिए तो प्लीज। आपके एंड से मैं फोन जरा ऐसा रखता हूँ कि मुझे दिखे सब कुछ। एक बार सारे के सारे बच्चे दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते जाइएगा। मजेदार तरीके से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का। चलिए, आई थिंक आवाज तो क्लियर है, सही है आवाज? चलिए जी, अगर सही है आवाज तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में काफी सारे टॉपिक्स को कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। मस्त तरीके से एंजॉय कीजिएगा इंटरनेशनल रिलेशंस को। कोशिश करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को हम लोग कवर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, न्यूज को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे सिंपल सरल सामान्य बोलचाल की भाषा में। ठीक है दोस्तों ये रहा सेशन हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस पे, मेजर डेवलपमेंट जो हुए हैं। मैं ना दोस्तों, अच्छा सॉरी, ये मुझे हाईलाइटर चाहिए होगा। दोस्तों जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं, और इन मेजर डेवलपमेंट्स के अलावा जिन जगहों पे मेरे हिसाब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, वो जरूर आपको बता दूंगा दोस्तों। चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सोलोमन आइलैंड्स, छोटे से छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, सोलोमन आइलैंड्स में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, पाकिस्तान को भी देख सकते हैं, श्रीलंका भी देखिए। रशिया यूक्रेन युद्ध तो चल ही रहा है यार, सच बोलो तो यूनाइटेड स्टेट्स कभी चाहता भी नहीं होगी खत्म हो, नहीं यूनाइटेड स्टेट्स कभी चाहता भी नहीं होगी खत्म हो, चलता रहे भाई, जितना ज्यादा चल सकता चल जाए। यूएस तो आने वाले टाइम पर अपने बेस्ट पोजीशन पर रहेगा, मैं आपको पहले ही बोला दोस्तों। और इस तरह से और कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे तैयार हैं तो मुझे एक बार अपोर्ट करके मतलब एक बार सुपर तरीके से हार्ट बना के बता देंगे अगर सभी लोग रेडी हैं। ये रहा मैं, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और आज का सेशन लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप और मैं हम सब जानते हैं श्रीलंका कितने बड़ी भयंकर मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इस बीच में एक न्यूज फ्लोट होती है मार्केट में, और वो न्यूज ये फ्लोट होती है कि हो सकता है कि हिंदुस्तान अपने ट्रुप्स भेज सकता है, हिंदुस्तान अपनी आर्मी भेज सकता है श्रीलंका में, तो एक पैनिक का माहौल क्रिएट होता है दोस्तों। फिर हम लोग इसको कैटेगोरिकली इस चीज को कहते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हम रिफ्यूट कर रहे हैं इस आर्ग्यूमेंट को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है कि हिंदुस्तान जो है अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी, अपने ट्रूप्स, अपने फौज को भेज रहा है वहां पे। दोस्तों भूलिएगा मत, आज की तारीख में श्रीलंका को जो बकाया मतलब डेट जो पे करना है वो थोड़ा बुरा नहीं दोस्तों, $25 बिलियन है, $25 बिलियन आज के टाइम पे श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व कंक खाली हो चुका पूरी तरह से। सिर्फ इस साल में अगर आप देखेंगे ना तो $7 बिलियन का रिपेमेंट करना है श्रीलंका को, ह्यूज अमाउंट दोस्तों। श्रीलंका की स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कारण हैं। मैंने एक पूरा श्रीलंका के ऊपर एक वीडियो लिया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। लेकिन आज की तारीख में श्रीलंका की जो जनता को लगता है, जो कि गलत भी नहीं है, और वो है राजपक्षा परिवार सोलली जिम्मेदार है इसके लिए। तो राजपक्षा या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इसके लिए सोलली जिम्मेदार है। लेकिन वैसे भी आप देखेंगे तो श्रीलंका में हिस्टोरिकली महिंदा राजपक्षा साहब और उनका परिवार हो गया, तो राजपक्षा परिवार, जयवर्धने परिवार, रणतुंगा परिवार, तो श्रीलंका में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स तो हमेशा से रहा है, कब नहीं रही है। श्रीलंका एक ऐसा अनफॉर्चुनेट देश रहा है जो आजाद होते ही कुछ ईयर्स के बाद 70s के दशक में, जहां पे इतना भीषणतम गृह युद्ध हुआ जो अगले 26 साल तक चला, वहां से ये लोग बड़ी मुश्किल में निकल के आए तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में फंस गए। वहां से निकल के आए, जैसे थोड़ा ठीक करने लगा देश तो दो ईस्टर अटैक हो गए लेट 2010 के बाद 2019 में जैसे ही वहां से निकल के आए तो कोविड का क्राइसिस आ गया। इसके बाद इन्होंने केमिकल जो फर्टिलाइजर उसके ऊपर बैन लगा दिया। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर बैन जो लगाया है, तो बहुत सारा ओपिनियन है केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर बैन लगाया ताकि फॉरेन करेंसी में पेमेंट ना हो, फोरेक्स खत्म ना हो। कुछ लोगों का कहना था कि फर्टिलाइजर माफिया के कारण लगाया, जो भी है जिस भी कारण से लगाया, रातों रात लोगों के अंदर खेती करने की इच्छा खत्म हो गई, और दूसरी बात प्रोडक्टिविटी भी गिर गई, कुछ पैसा भी नहीं रहा, जिसके चलते आज यहाँ पे अनाज की इतनी किल्लत है दोस्तों। आपको ऐसा लगता हो कि इंडिया ने कितना ही हेल्प कर दिया श्रीलंका को,
दोस्तों हमने, आप जरा अगर नोटिस करेंगे ये कहां पे, ये $25 बिलियन का फॉरेन डेट आज के टाइम पे श्रीलंका को। यकीन मानिए एक बहुत मेजर कंट्री जिसके कारण इसकी शुरुआत होती है वो चाइना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाइना का जो, जिसको आप बोलते हो ना डेट ट्रिप डिप्लोमेसी, जिसको बोलते दुनिया में डीईबीटी को डेप्ट ही, डेप्ट नहीं पढ़ते, डेट ही पढ़ते, वैसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बोलते हैं दुनिया में। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों श्रीलंका के बाद अगला कौन सा देश है जिसका नंबर लगने वाला है, ऑब्जर्व कीजिएगा। ऐसा है तो गॉड फॉरबिड कभी ना हो ऐसा किसी भी देश के साथ, लेकिन आपको बता दूंगा कहां पे होने वाला है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, इसको बोलते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। मेरा ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल भाषा में आपसे बात कर रहे हैं, समझते हैं। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का मतलब है किसी देश को इतना आसान मुफ्त का पैसा, फ्री का पैसा, खतरनाक, ये बहुत सब डेंजरस होता है दोस्तों। तो दोस्तों श्रीलंका, चाइना ने कि फ्री, फ्री तो नहीं, मतलब आसान शर्तों में पैसा दो। पाकिस्तान में भी यही हुआ, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की स्थिति मेरे हिसाब से शायद नहीं होगी। इसका इसका रीजन ये नहीं कि पाकिस्तान श्रीलंका ज्यादा केपेबल है, इसका रीजन ये नहीं है। दुनिया ना दोस्तों, मतलब ऑलमोस्ट हर एक सेशन में एक वर्ड यूज करता हूं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसको लिख के रख लीजिएगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जगह नहीं इतना काफी है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब क्यों 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 आप ये बोल रहे हैं सर पाकिस्तान इस स्थिति तक नहीं पहुंचेगा? मोस्ट लाइकली, चाहे पाकिस्तान कितनों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दे, वो बचा ही लेंगे वेस्टर्न पावर्स को। इसका रीजन है कि वेस्टर्न पावर, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा चाहेंगे कि इंडिया को चेक रखें, वो चेक्स एंड बैलेंस, कि इंडिया के साथ हमको निभाना भी है लेकिन इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो ना कर जाए। आप समझ रहे बात को? जैसे चाइना, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, बढ़िया, चाइना ग्रो कर रहा है लेकिन चाइना बहुत ज्यादा आगे ना निकल जाए, ताइवान के साथ रिलेशन आप अच्छा करना शुरू करो। इसलिए पिछले 5-7 साल में आप देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज ने एकदम से ताइवान में इंटरेस्ट अपना बढ़ा दिया। अब ये मत सोचिएगा इसका रीजन सिर्फ सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर तो बहुत बड़ा रीजन है ही, लेकिन इसका एक बहुत मेजर रीजन है अपने, जो अपने, मतलब क्या बोलते उसको, इन्फ्लुएंस को, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को जितना बढ़ा सकते हैं ताकि आसपास की कंट्रीज को चेक्स एंड बैलेंस रख सके। और इस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों कुल मिला के अभी ना राजापक्षा साहब ने अभी इस्तीफा भी दिया, उसके बावजूद दोस्तों हम लोग, मतलब हम भारत कुछ हेल्प कर पा रहे हैं यहाँ पे? कितनी हेल्प करेगा यार? और हमने आसान शर्तों पे लोन दे दिए, पैसे दे दिए, क्रेडिट लाइन नेटवर्क, आसान शर्तों पे पैसे दे दिए। अभी पिछले 24 घंटे में ऑलमोस्ट 80,000 टन फ्यूल हमने भेजा श्रीलंका। ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों तकरीबन 3.5 लाख टन फ्यूल इंडिया ने भेजा श्रीलंका में। ह्यूज अमाउंट। एक मतलब देखिए सर, मैं ये समझ गया, मैं कुछ मिस कर रहा हूं क्या सर? कैसे सर? ये है कि श्रीलंका में ये इनका इकोनॉमिक कोलैप्स किया, राइट? यस। इसमें मेजर रीजन राजापक्षा परिवार बोलते हैं, वो भी बोल लीजिए, या मैं बोलूंगा कि ना सिविल वॉर, बहुत सारे रीजन है, सिविल वॉर, ईस्टर बॉम्बिंग जो अनफॉर्चुनेटली हुआ, कोविड क्राइसिस, क्योंकि देश पूरी तरह से, मतलब बहुत ज्यादा टूरिज्म पे डिपेंडेंट था। इसके अलावा जो चाय पत्ती, जो टी, रबर, इनकी पूरी दुनिया में यू नो बिक्री कम हुई, स्वाभाविक है ना, कोविड, पूरी दुनिया जब शटडाउन थी कोविड के कारण, तो रबर और टायर भी कहाँ चलेंगे, बिकेंगे, राइट? इसके बाद एक बहुत मेजर जो प्लेयर है वो चाइना। आज सारी आग लगा के चाइना आराम से बैठा हुआ, कोई बात नहीं, जो करना है, जो होना है होने दो। वो तो चाइना को समझ में आया कि भाई पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है, पाकिस्तान में अचानक कहीं धमाका हो जाता, कुछ होता भी नहीं है, कोई इसको गोली मार दे तो कुछ भी हो जाता है यार, भाई साहब निपट जाए उसके पहले, सीपैक से अपने आप को पीछे खींचो। इसके चलते चाइना ने सीपैक से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पीछे खींचा अपने आप को। दोस्तों आज आराम से बैठा है चाइना भी, इंडिया अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकता है श्रीलंका की कर रहा है। श्रीलंका सिर्फ उम्मीद पे जिंदा आज के टाइम पे, और उम्मीद जानते किसकी है? IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। सर ये बात आप क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहा हूं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली वेस्टर्न पावर चलाते हैं, सीधी सी बात है, सब जानते हैं, ओपन सीक्रेट है, राइट? वेस्टर्न पावर चलाते हैं, वेस्टर्न कंट्री चलाते हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे तो श्रीलंका में लोग गजब टाइप से आपको प्रोटेस्ट करते हुए दिखेंगे दोस्तों, भयंकर तरीके से आपको प्रोटेस्ट करते हुए, ऐसे आग जला देने वाला, इसको उसको लूटने पाटने वाला। दोस्तों ये किसी भी देश के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये कोई मतलब प्रतिष्ठा की बात नहीं है ना इस तरह की फोटोग्राफ। मेरे साथ चलिएगा आराम से, सामान्य सिंपल सरल बोलचाल की भाषा को बताऊंगा,
किसी भी देश के लिए दोस्तों इस तरह का सीन कितना कितना विचित्र है यार। मुझे आज भी याद है कुछ साल पहले मैं वेनेजुएला पर डिस्कशन कर रहा था। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं वेनेजुएला क्योंकि श्रीलंका गृह युद्ध की तरफ चला गया। अब यकीन मानिए दोस्तों, जिस स्थिति में श्रीलंका है, जिस जब भी कोई देश इस स्थिति में आता है, स्थिति से निकलने के लिए कई साल लग जाते हैं। आपको लगता है यूक्रेन अभी निकल पाएगा? ज़ेलेंस्की साहब चाहते भी नहीं निकले, लेकिन जो भी है उनका जो भी सोचना होगा, ज़ेलेंस्की साहब अगर चाहते होते कि यूक्रेन इससे बाहर निकले, कभी बोलते वो कि वापस मुझे ना इन्वेजन के पहले वाला वो चाहिए यूक्रेन, पॉसिबल ही नहीं हो। यूनाइटेड स्टेट का भी चाहेगा यूक्रेन ये वॉर खत्म हो। जितना इस दुनिया में दो देश हैं, याद रखिएगा दोस्तों, इस दुनिया में दो देश हैं जो रशिया यूक्रेन के वॉर में कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिख दिया जर्मनी मैंने। इस दुनिया में दो ही देश हैं जो कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे मेरे हिसाब से आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में ये दो देश हैं जो कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे और फाइनली पुतिन साहब को कन्विंस करेंगे कि सर जी बस सर, नहीं तो दुनिया ही नहीं पट जाएगी सर अब तो। दोस्तों एक जमाना था, मतलब एक जमाना क्या है, अभी अभी की बात है। तो क्या हुआ था, एक आपको बता रहा हूं कि ना डिपेंडेंसी कैसे खतरनाक हो जाती है। वेनेजुएला आप देखेंगे तो लैटिन अमेरिकन कंट्री है, ओपेक का फाउंडर कंट्री है। वेनेजुएला में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है, जमीन के अंदर कच्चा तेल है, उस कच्चे तेल को निकालने के लिए पैसा नहीं। वेनेजुएला के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, अभी तो निकोलस मदुरो हैं, उसके पहले थे ह्यूगो शावेस, गॉड जो फेमस लीडर। लेकिन कल्चरली आपको थोड़ा सा कल्चरल शॉक देता हूं, वेनेजुएला की राजधानी का नाम कराकास। वेनेजुएला में कल्चरली एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट कंपनी, इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं है। एक सरकारी कंपनी है जो तेल निकालती है, ज्यादातर लोग उसमें ठूस दिए गए काम करते, ठूस देते काम करते रहते हैं। लेकिन मुफ्तखोरी भी बहुत खतरनाक चीज होती है दोस्तों। जब ये चीज है ना, जब $150 पर बैरल होती थी तेल की कीमत, लगाओ जहां आपको तेल निकालना है करो, इंडस्ट्रीज बनाते रहो। आपको दो लोग की जरूरत, आप 10 लोगों को नौकरी दो, क्या फर्क पड़ना है। तो ना इस तरह की कई पॉपुलिस्ट स्कीमें लेके आए निकोलस मदुरो, ह्यूगो शावेस, जो इसके भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। लेकिन फिर उनको कैंसर निकल गया था, मुझे याद है, फिर वो गए क्यूबा, अनफॉर्चुनेटली उनका डिमाइस हो गया। ह्यूगो शावेस वो व्यक्ति थे जिनकी तारीफ किए थे अपने ओबामा साहब। इनके बाद आते निकोलस मदुरो, जो एक जमाने में ड्राइवर हुआ करते थे, फिर उसके बाद से पूरा सब कुछ किस्सा बदला उनका। लेकिन इस दौरान ना दोस्तों, तेल की कीमत $150 से घटते 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 $20 से $30 पर। एक आपको मैं थंब रूल थोड़ा बता देता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया में तेल की कीमत $50 से नीचे आ जाए, रखेगा, क्योंकि यूएस की कॉम्पिटेंसी नहीं है $20 से $30 में तेल को पैदा करने की। यूएस की कॉम्पिटेंसी तब तक है जब तक $50 तक तेल है, ठीक है, जस्ट आपको ऐसी बात आता हूं। अब जब $20 से $30 पर बैरल आया, दो चीजें हो सकती है, या तो इतना सारा जो एक्सेस मैन पावर आपने लगा रखा है निकालो, यही तो करोगे, या फिर पैसे मत दो। निकोलस मदुरो वॉज इन अ फिक्स, अब क्या करो। आप सर्च कीजिएगा वेनेजुएला में, वेनेजुएला की करेंसी कोई कीमत है, कोई कीमत नहीं है। वेनेजुएला में महंगाई दर पता नहीं, अब तो लोग कैलकुलेट करना बंद कर दिए, कई लाखों परसेंटेज में जा चुका अब तो। आप वो बड़े बड़े ठेलों में ना नोट्स लेके जाते हैं वेनेजुएला के, उसे एक ब्रेड का पैकेट ऐसा मिलता है। आज की तारीख में इस तरह की चीजें वेनेजुएला में एकदम आम है। आज की तारीख में हर रोज सुबह लोग उठते हैं और सिर्फ भोजन ढूंढने निकलते हैं। भोजन कहां मिलेगा, सीरिया टाइप ख्याल है। जो भी शॉपिंग मॉल दुकानें वुकानें सब लूटपाट के लोगों ने खा लिया। अब यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, लोगों ने जानवर जो थे रोड पे जो थे उनको मार के खा लिए, कचड़े कुचड़े ये सब खा लिए। आज की तारीख में एक एवरेज वेनेजुएला का आदमी हर रोज वजन लूज कर रहा है। सर मुझे ये नहीं समझ में आया, आपने इस बात को बताया क्यों, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन श्रीलंका जिस रास्ते पे निकल चला ना दोस्तों, ये बहुत मतलब बहुत ही खतरनाक रास्ते पे श्रीलंका, अभी बहुत ही खतरनाक। ये जो गृह युद्ध वाली स्थिति है ना, क्योंकि पैसा है नहीं ना, फॉरेन रिजर्व में पैसा है नहीं एकदम, तो यहां पे ना बहुत ही खतरनाक स्थिति बन गई श्रीलंका में। हालांकि हिंदुस्तान ने क्लियर किया कि सर आप देखिए, हम आपके देश की ना डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं कि आपके यहां स्टेबिलिटी आए, हम चाहते हैं कि आप इकोनॉमिक रिकवरी कर पाए,
और हम चाहते ही हैं, हमारी एक स्पेसिफिक फिलॉसफी है जिसको हम बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया एन, समझ जाएगा, नेबरहुड फर्स्ट। नहीं चाहोगे आप बताओ, आपके घर के आजू और बाजू में सिंपल रखो ना, छोड़ो सा चीजें, आपके अपना खुद का घर सोचो, आपके घर के आजू और बाजू में दिन रात लोग पागलों की तरह लड़ते, वो कटोरी चम्मच बर्तन पटकते रहते, आप कभी सर क्या कर रहे हो यार, एक बार उठा के पटको खत्म करो यार, क्या दिन भर लड़ते रहते हो, किच 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 किच, आप भी बोलोगे ना पागल करके रख दिए भाई। आप भी चाहोगे आपके घर के आसपास शांति हो, बस वही चीज समझ लीजिए। तो इसको बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट फिलॉसफी। तो हमने क्लियर किया कि देखिए सर, हम अपनी फौज वौज नहीं भेज रहे, हम चाहते हैं कि आपके देश में डेमोक्रेसी। और मैं एक बात आपको बताता हूं दोस्तों, आप कितना भी ना, दुनिया में डेमोक्रेसी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और थोड़ा समय निकलने दीजिए इस दुनिया में डेमोक्रेसी को। दो देखो वेस्टर्न कंट्रीज डेमोक्रेसी, अब ना आने वाले टाइम पे पता है डिस्कशन किस बात पे होगा, टू वॉट एक्सटेंट फ्रीडम, टू वॉट एक्सटेंट, बोलने का अधिकार है, एक्ट करने का अधिकार है, सोशल मीडिया में लिखने का अधिकार है, लेकिन टू वॉट एक्सटेंट, नहीं आने वाले टाइम पे डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि ना लोग आप मैं हम भी है ना, जो कई बार काफी रिस्पॉन्सिबिली कई चीजों को लिख देते हैं, कई चीजों को बोल देते हैं, हमें नहीं पता चलता ना हमारा बोला हुआ एक शब्द, एक स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ, एक वीडियो पता नहीं क्या क्या इंपैक्ट क्रिएट कर देगा दुनिया में। तो हमने बताया कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इस डेमोक्रेसी की आपकी इज्जत करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम ना, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे स्टेबिलिटी, आप इकोनॉमिक रिकवरी कर पाए। मुझे समझ भी नहीं आया सर इतना हम जस्टिफिकेशन दे क्यों रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात पूछे आप। क्योंकि श्रीलंका में ना दोस्तों महिंदा राजापक्षा साहब, यकीन मानिए आज की तारीख में उनके कोऑर्डिनेट्स किसी को, कोऑर्डिनेट्स मतलब आज वो कहां है किसी को नहीं पता है। श्रीलंका के भूतपूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजापक्षा ये रहे, रिजाइन किए, लेकिन यकीन कीजिए आज की तारीख में श्रीलंका के एक आम आदमी इतना रोष है, इतना गुस्सा है कि आप यकीन नहीं कर सकते। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो गुस्सा ये रोष ना, ये मतलब बहुत खतरनाक होता है ना, मैं आपको बता रहा हूं। इस चीज को चाइना ने 70s में समझ लिया था कि मैं कम्युनिस्ट तरीके से अगर मेरे को देश चलाना है तो मेरे को लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, और यही कारण है कि चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग में इतना, चाइना अगर मैन्युफैक्चरिंग में इतना गजब नहीं किया होता, कमाल किया उसने चाइना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डेन शॉपिंग ने चीज समझ लिया था कि यार मैं ना माओ को कुछ भी उल्टा सुल्टा पुल्टा बोल के देश नहीं चला पाऊंगा, इसलिए माओ हीरो है और उनको हीरो ही रहने दो, लेकिन मैं अपने पॉलिटिक्स को कम्युनिस्ट रखूंगा और इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट रखूंगा। अभी श्रीलंका में स्थिति यह हुई कि महिंदा राजापक्षा साहब के त्यागपत्र देने के बावजूद, रेजिग्नेशन देने के बावजूद, आज की तारीख में लोगों में इतना भयंकर रोष है, गुस्सा है। दोस्तों आज श्रीलंका में आप जाएंगे ना तो श्रीलंका में किसी का घर जला देना, लूटपाट के खा लेना, अरे प्रधानमंत्री के घर जला देना, मतलब एकदम आम हो गया। ये बहुत डेंजरस साइंस है दोस्तों, इट इज नॉट फ्रीडम। ये सिर्फ फ्रीडम की बात नहीं, लेकिन हाँ ये भी बात सही है कि लोग जितना भड़के हुए ना, ये एक्सपेक्टेड था। आज की तारीख में श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व क्या क्या लगता है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर उनको रिपेमेंट करना है, 7 बिलियन को तो अभी कर रहा, ओवरऑल 25 बिलियन डॉलर का श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व, 50 मिलियन है मुश्किल से, 50 मिलियन में 1 मिलियन 10 लाख, 5 करोड़ समझ लो, 5 करोड़ USD। आज की तारीख में दोस्तों जो डिस्कशन हो रहा है ना इस कोविड के बाद, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये पूरी दुनिया कौन सी है, ये कोविड के बाद की दुनिया है। मतलब आप इतना कोविड के बाद क्यों बोल रहे सर, कोविड के बाद इकोनॉमी को चलाना इतना आसान है क्या? आज देखिए यूनाइटेड स्टेट्स को अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करना पड़ गया, वेस्टर्न कंट्रीज को इंक्रीज करना पड़ गया, हमने किया अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज, क्यों? मार्केट इन्फ्लेट होना शुरू हो गया था। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जैसे कि श्रीलंका, श्रीलंका छोटा सा देश है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर नहीं सकता अपना, लिमिटेड मैन पावर है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट साउथ कोरिया ने किया, हर देश नहीं कर सकता भाई, जापान ने किया, हर देश नहीं कर सकता, टूरिज्म डिपेंडेंट कंट्री है। और यही कारण है कि दुनिया में ना लोगों ने डिस्कशन करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े इकोनॉमिस्टों ने डिस्कशन करना शुरू कर दिया। ये जो क्राइसिस आप देख रहे हैं ना श्रीलंका में, ये तो ना सिर्फ ट्रेलर है, ये बहुत बड़े पिक्चर का एक बहुत छोटा सा ट्रेलर है। इस तरह से आपको एक बहुत मैसिव ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस देखने को मिला, आई एम रियली सॉरी टू से, एक बहुत ही ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिलने वाला है आपको।
आज की तारीख में दोस्तों आप देखेंगे ना तो श्रीलंका में इस तरह के दृष्टांत आपको बहुत कॉमन दिखने को मिलेंगे कि कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको जो पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स हैं पकड़ के खींच के लेके चले गए। लोग इतना प्रोटेस्ट कर क्यों रहे सर? तो ऑप्शन क्या है दोस्तों लोगों के पास, आप बताइए। फ्यूल से लेके पेट्रोल से लेके हर चीज की कीमत, आज अभी मैंने आपको बताया 24 घंटे में लोगों ने इतना फ्यूल भेजा है, इसके बाद इतना ऑलमोस्ट 300,000 टन फ्यूल इंडिया ने भेज दिया अभी तक के। आज की तारीख में फ्यूल, एक तो पहले फ्यूल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं है, तकरीबन फ्यूल कीमत डबल हो चुकी दोस्तों, भोजन अवेलेबल नहीं है, दवाइयों की कीमत ऑलमोस्ट 50% तक बढ़ चुकी है आज की तारीख में दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति लोगों को वैसे लूटता पाटता दिख जाए, कहीं पे आग जलाता हुआ दिख जाए, फ्री हैंड दिया गया, शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया, गोली मार देना जरूरत पड़े तो। अब सोचिए इस तरह की स्थिति श्रीलंका में, एक देश आराम से बैठ के अभी तक के कुछ भी नहीं, आप कभी सुने एक भी स्टेटमेंट चाइना के मुंह से, एक भी स्टेटमेंट सुना आप सुनेंगे मेरे दोस्तों? एक और चीज है, यह स्थिति इतनी बदतर नहीं हुई होती, जैसे ही यहां पे ना श्रीलंका गवर्नमेंट ने चीजों को टाइट करने का प्रयास किया, वेस्टर्न कंट्रीज आ गई, यूनाइटेड स्टेट्स ले लो, यूरोप ले लो, जापान सभी को ले लो, मतलब जापान नहीं मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, कनाडा छूट गया मुझसे। कैसे, क्या 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 हो सर, क्यों 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 ऐसा कर रहे हो? लोगों को आजादी है बोलने की यार, ये आजादी डेमोक्रेसी मेरे हिसाब से ना, मुझे व्यक्तिगत रूप से ज्यादा टू मच डेमोक्रेसी बहुत खतरनाक हो जाते, नहीं एकदम बहुत ज्यादा ना मतलब एक्सप्रेस करने की आजादी होना अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा लिबरल वैल्यूज भी बहुत खतरनाक हो जाती कई बार। तो आज की तारीख में श्रीलंका सोचे कि यार मरता क्या ना करता, एक IMF ही है जो मुझको पैसा देगा और IMF पे पूरा कंट्रीब्यूशन इनका है या फिर कंट्रोल इनका है, छोड़ यार छोड़ फालतू में जो बोल रहे मान जाते हैं। और यही कारण है कि आज की तारीख में श्रीलंका में स्थिति ये, क्योंकि इन्होंने क्या ना कि जब टाइट करना था ना लोगों को, तो उन्होंने टाइट उतना नहीं कर पा रहे, और यही कारण है कि राजापक्षा साहब अभी रिजाइन करने के बाद आप कहीं मिलेंगे नहीं दोस्तों। हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से $3.5 billion ऑलरेडी श्रीलंका को दे रखा है, देखते हैं। कहा जाता है कि मिनिमम श्रीलंका को इंडिया की तरफ से कम $10 billion की आवश्यकता है चीजों को नॉर्मल करने के लिए। आज की तारीख में श्रीलंका में आग जला देना, लोगों को लूट पीट लेना, सामान मतलब छीन लेना बड़ा ही सामान्य सा हो गया दोस्तों। सर जो आप चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों दोस्तों? आपने एक चीज देखा होगा, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बोल दीजिए, या उसी को पहले डॉलर डिप्लोमेसी बोलते थे, आजकल लेटली मैंने देखा है आजकल न्यूज़पेपर में युआन डिप्लोमेसी बोलते हैं उसे, युआन डिप्लोमेसी, मतलब छोटे छोटे देशों में एकदम भयंकर तरीके से पैसा खर्च करना, पूरा एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के ही इंजीनियर्स आएंगे, वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, वो उतना ज्यादा पैसा जनरेट करते नहीं है, और जब पैसे जनरेट नहीं करते हैं कब्जा लेना। एक आपको मैं बताता हूं, अगला फ्लैश पॉइंट आपको बताता हूं, एक आपको बहुत मैसिव फ्लैश पॉइंट बताता हूं। श्रीलंका जैसी हालत भगवान न करे, लेकिन आने वाले वक्त में जगह आपको देखने को मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड है दोस्तों, उस आइलैंड का नाम है सोलोमन आइलैंड। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पास आपको आइलैंड मिलेगा दोस्तों, ये रहा सोलोमन आइलैंड, ये रहा इंडियन ओशन, ये रहा हम, ये रहा चाइना, ये रहा पैसिफिक ओशन। सोलोमन आइलैंड मतलब मैं समझा यहां पे क्या हो गया, छोटी सी आबादी का देश है, मुश्किल से 7 लाख की आबादी है, नहीं लेकिन इसमें ऐसा क्या हो गया सर? सुनिएगा दोस्तों, 7 लाख की आबादी का छोटा सा देश है, होनीर, ये क्या बोल, होनियारा इसकी राजधानी का नाम है, मैंने विकिपीडिया से कुछ कटआउट निकाला है, नहीं लेकिन सोलोमन आइलैंड में हुआ क्या सर? एक मिनट बताता हूं, ये विकिपीडिया का पहले बताता हूं पिक्चर कर्ट से। तो आज की तारीख में आप देखिए, ये होनी आ रहा है इसकी राजधानी है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और ये रहा सोलोमन आइलैंड न्यूजीलैंड, ये ठीक है। एथनिसिटी वगैरह तो खैर जो भी है सो है, ये आपको प्रधानमंत्री साहब जो दिख रहे हैं ये थोड़ा प्रो चाइना है, ठीक है। तो अब क्या, एक मिनट, ऐसे कहानी समझ में नहीं आएगी आपको, तो फिर कैसे समझ में आएगी दोस्तों? यूरोपियन कंट्रीज इतना ग्रो कैसे किया, आपको क्या लगता है? या फिर और सिंपल करते, यूके इतना ग्रो कैसे किया, पोर्चुगल इतना ग्रो कैसे किया, फ्रांस कैसे ग्रो किया, कैसे ग्रो किए लोग दुनिया के बाकी हिस्सों में? लोग तो अपने देशों में खुश थे,
क्योंकि इनके ना जहाज, एक जमाने में इनके ना नेवल शिप्स जो है ना वो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों को ढूंढना शुरू किया। ऐसा क्यों ढूंढना शुरू किया? क्योंकि इनके अपने देश में इन्होंने बिजनेस भरपूर कर लिया था, तो सेचुरेशन आ गया था, तो नए मार्केट की तलाश थी। और जब नए मार्केट की तलाश थी तो यूएस गए, इंडिया गए, ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में तो खैर कैदियों को रखते थे, इनेट्स को रखते थे, ऐसे दुनिया के अलग अलग देश। और इन्होंने बोला हम गुलाम थोड़ी बना रहे जी तुमको, हम तो कॉलोनाइज कर रहे हैं, हम तुमको तो जीना सिखा रहे हैं। नहीं, यही हुआ था। तो मर्केंटलिज्म बोलते हैं वैसे, ठीक है, मर्केंटलिज्म, नए मार्केट की तलाश जो है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ दोस्तों, इसी चीज को आप चाहे तो बोल सकते हैं एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवाद। एक्सपेंशनिज्म यही होता है, मेरे साथ चलिएगा, थक जाएंगे तो बताइएगा, विस्तारवाद इसी को बोलते हैं। तो यार मुझे एक बात नहीं समझ में आई, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद जर्मनी को, इटली को और जापान को भी तो यही चीज लगी थी। हाँ, यही लगा था, ये लोग भी अपने सीमा को विस्तारवादी करना चाहते थे। हाँ, करना चाहते थे। तो हुआ ये था कि जापान ना भयंकर एग्रेसिव हुआ करता था एक जमाने में, जो आप 1900s का टाइम देखेंगे ना, तो भाई साहब वो आसपास के रीजन के लोग रूह कांप जाते थे, चाइना वाइना तो क्या ही। तो उस जमाने में ना दोस्तों, सोलोमन आइलैंड पे वर्चस्व था जापान का। फिर अनफॉर्चुनेटली जब जापान, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी बोलना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1940s की बात है, मेरे हिसाब से 1942 के आसपास की बात है, 45 में जापान वॉर हार गया था, लेकिन 42 के आसपास की बात है दोस्तों, जब जापान से, जब जापान इसको लूज किया यूके को, और उसके बाद से इसको यूके ने रूल किया टिल 78, यहां पे दिया हुआ है इन्होंने 1978। तो एक्चुअली सोलोमन आइलैंड को आप देखेंगे दुनिया में, तो ये दुनिया के नक्शे में 1978 में। सर ये सब क्यों बताया, बताता हूं आपको, क्यों बताता हूं क्यों दोस्तों। ये जो दौर था 1950 से लेके 1990 के आसपास का जो दौर था ना, इसको बोलते हैं शीत युद्ध, नहीं कोल्ड वॉर, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर हुए, छद्म युद्ध हुए। छद्म युद्ध मतलब यूएस और यूएसएसआर को लड़ना था, सामने सामने कैसे लड़ जाए, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों को पंप करना शुरू किया, एक सिंपल भाषा में एक दो, ये लड़ाई थी डेमोक्रेसी की और कम्युनिज्म की। और ये लड़ाई कुछ इस तरह से रूप ले ली कि हमको रोकना पड़ेगा भाई साहब, लाइन से देश कम्युनिस्ट कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जहां पे जो देश कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे, वहां पे या तो डेमोक्रेसी उसके अगेंस्ट, या उसके अगेंस्ट जो भी पावर, लोकल पावर हो, लगा दो। और इसका तीन जो सबसे बढ़िया आपको एग्जाम्पल आज की तारीख में भी देखने मिलेगा, वो था सबसे पहले अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो सरकार बनी थी उनको सपोर्ट था यूएसएसआर का, और जो मुजाहिदीन थे उनको सपोर्ट था यूएस का। इसका एग्जाम्पल है नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। अब आप देखिए साउथ कोरिया में अब पॉलिटिक्स सम चेंज हो रही, डायनामिक्स चेंज हो रहा है। नहीं, मून साहब जा रहे हैं, नए व्यक्ति आ रहे हैं। अब आप देखिए साउथ कोरिया में, मैं आऊंगा उस पॉइंट पे भी। ये हो गया नॉर्थ कोरिया, ये हो गया साउथ कोरिया। याद रखिए दोस्तों, टेक्निकली नॉर्थ एंड साउथ कोरिया दे आर स्टिल ऑन वॉर। इसी तरह की चीज आपको देखने को कहां मिलती है, वियतनाम में। लेकिन अब तो खैर पूरा वियतनाम जो है वो कम्युनिस्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा था। इसी तरह की चीज आज की तारीख में आपको सीरिया में देखने को मिलती है। इसी तरह की चीज आपको आज की तारीख में यमन में देखने को मिलती है। कहानी वही दोस्तों, स्क्रिप्ट वही है, किरदार बदल गया है। इसी तरह की चीज आपको देखने को मिलेगी सोलोमन आइलैंड्स में। अब पहले मैं आपको बताता हूं यहां पे चाइना पहुंचा कैसे, क्या कर रहा है चाइना। तो यहां पे सोलोमन आइलैंड में चाइना पहुंचा, ठीक है दोस्तों। अब इस चीज के लिए यूनाइटेड स्टेट्स या वेस्टर्न पावर, यूनाइटेड स्टेट्स या जितने भी वेस्टर्न पावर्स है काउंटर पार्ट्स उसके, यूरोपियन रीजन हो गए, कनाडा हो गए, सब इतने परेशान क्यों जब चाइना पहुंचा। तो दोस्तों क्योंकि चाइना ने बोला कि यार चलो एक काम करते सर जी, हम आपके साथ ना सिक्योरिटी पैक्ट साइन करते हैं। इस शब्द को आप समझिए पहले क्या होता है। अगली बार जब कभी आप ये शब्द सुनेंगे सिक्योरिटी पैक्ट, जब आप शब्द सुनेंगे सिक्योरिटी पैक्ट, उसमें क्या क्या चीजें आती है दोस्तों। सर सिक्योरिटी पैक्ट का मतलब ना सिक्योरिटी पैक्ट नहीं होता। तो फिर सर जब आप कभी सिक्योरिटी पैक्ट नाम का शब्द सुनते हो ना, तो आने वाले वक्त में सोलोमन आइलैंड में आपको चाइना की मिलिट्री फोर्स भी देखने को मिलेगी, आपको आने वाले वक्त में चाइना के नेवल जहाज मिलेंगे, नेवल शिप्स मिलेंगे, आने वाले वक्त में चाइना के आपको मिलिट्री बेस भी मिलेंगे।
ये मिलिट्री बेस और वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं मिलिट्री, ये सब बहुत कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि आज की तारीख में वेस्टर्न कंट्रीज ना कंसर्न है। लेकिन एक मिनट सर, एक मिनट, आपने बताया अभी कि जो इनके प्रधानमंत्री साहब है मनाश, ये सोगावारे, ये मनाश सोगावारे यही है, ये मनाश सोगावारे यही साहब है। तो मनाश सोगावारे साहब आज, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूं, लेकिन यार कहां है सोलोमन आइलैंड यार, दुनिया की अलग जगहों पे कोने पे है, दुनिया में किसी को, मैं आपको रियली बता रहा हूं, ये सोलोमन आइलैंड में जो, अच्छा चलो एक बात और सुनो, जैसे ये चाइना के सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी क्या हुआ ना, वहां पे बंच ऑफ लोग खड़े हो गए, ध्यान से सुनिएगा, बंच ऑफ लोग मतलब आम लोग खड़े हो गए, नहीं सर हमको डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए सोलोमन आइलैंड में, डेमोक्रेसी यूजुअली बड़ा बहुत ही कॉमन है ये, बहुत ये सब ये पिक्चर, ये मैं आपको इसलिए ना कोल्ड वॉर के बारे में बताया, ये वही चीज चल रही दोबारा भी। तो होता क्या है कि ये तो लोग खड़े किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप डेमोक्रेसी के नाम पे ना वहां पे लोगों को खड़े कर दो, एंड वाइस वर्सा, दोनों तरह से ऐसा होता है। तो अफगानिस्तान पे जब वहां पे एक जमाने में सरकार को यूएसएसआर का सपोर्ट था, तो मुझे आज दिनों को सपोर्ट कर दिया यूएस ने, तो बड़ा कॉमन सा है। लेकिन ट्रू सेंस में आपको मैं बताऊं ना, तो यहां पे जो ये लोग खड़े हैं ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही ताइवान से ना ही चाइना से, इतने दूर बैठा ताइवान और चाइना क्या करना है इनको, कोई मतलब नहीं इनको दोस्तों। सर आप इस बात को बताए क्यों, ये बात को बताने का रीजन है दोस्तों, इस बात को बताने का रीजन ये है कि आज की तारीख में सिक्योरिटी पैक्ट वाली बात में समझ गया, कुछ इसी तरह की चीज ना आपको देखने को मिलेगी, कहां पे जानते हैं आप, यूक्रेन में। मैं समझा नहीं कैसे यूक्रेन में, कैसे दोस्तों आज की तारीख में ना यूक्रेन में एग्जैक्टली यही चीज है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि अफगानिस्तान से जब यूएस ने फौज अपने निकाला होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कैलकुलेट नहीं, अरे जब सबको पता था लास्ट 2021 मैंने आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखाया था, 2021 जून की सैटेलाइट इमेज दिखाया था मैंने आपको, 2021 जून की सैटेलाइट इमेज लास्ट क्लास में दिखाया था, जब इस वक्त से सभी को पता था कि यूक्रेन में कुछ मैसिव हो सकता है, कुछ तो बड़ा, एक चिंगारी चाहिए थी, एक ऐसा कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चाहिए था यूक्रेन में जिसको जो ज्यादा पॉलिटिक्स समझ ना हो, मिल गए उनको ज़ेलेंस्की। तो अब ये बोल रहे कि रशिया सही है, अरे वो तो एक फैक्टर है, रशिया सही है गलत है दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, जो अभी हो रहा है ना, जो अभी आप देख रहे हो इतने सारे लाइफ लॉस ये सब आप देख रहे हो, दुनिया में हर देश उस चीज को विरोध करता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, बट द वेरी सेम टाइम आप ये नहीं बोल पाएंगे कि पूर्णतया व्लादिमीर पुतिन गलत है। व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बार बताया, बहुत बार बोला कि यार ये जो तुम ना नेटो का एक्सपेंशन कर रहे हो ना मत करो, ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है, ये जो कर रहे हो ना आप धीरे धीरे, क्योंकि तुम आने वाले टाइम पे सिक्योरिटी पैक्ट के नाम पे ना यहां पे अपनी फौज लाओगे, और ये रहा रशिया। मैं इसलिए आपको दोस्तों थोड़ी देर पहले बताता था स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, आप ये सब चीजों को समझने के लिए ना आपको एक ही शब्द समझ में आना चाहिए और वो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दुनिया में हर देश आज भी चाहे वो बोले चाहे ना बोले अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का प्रयास करता है ताकि उसके आसपास के ना देश को फंड करता रहे, एक ना क्या बोलो उसको, एक उसको इंगेज करके रखा रहे। जैसे क्या वेस्टर्न कंट्रीज कभी चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैटर कभी सॉर्ट हो जाए, कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। हम चाहते हैं इंडिया के साथ कोलैब करना, हम चाहते हैं कि इंडिया ग्रो करे, लेकिन एक लिमिट तक, जब भी बहुत ज्यादा ग्रो करेगा हम लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए है ना। हम चाहते हैं कि चाइना दुनिया में गजब का मैन्युफैक्चरिंग हब बने, लेकिन एक लिमिट तक, और यही कारण है कि हम ताइवान को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम ताइवान, जस्ट आपको एक बात आ रहा हूं। अच्छा तो क्या इसी इस तरह से दोस्तों आपको क्या लगता है चाइना खुद ऐसा नहीं करता है? चाइना नॉर्थ कोरिया को आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया को पूर्णतः सपोर्ट किसका है? चाइना का। तो चाइना को जब काउंटर करना होता साउथ कोरिया को या जापान को, चाइना नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करना शुरू करता है? नहीं। चाइना को काउंटर करना होता इंडिया को, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू करता है। दुनिया ऐसे चलती है दोस्तों, दुनिया ऐसे ही चलती है। चाइना के दिमाग में दो चीज है अभी मेरे हिसाब से। पहली चीज, मुझको चाइना को रीयूनिफाई करना है। रीयूनिफाई करने का मेरा सिंपल सा मतलब यह है, जैसा शी जिनपिंग साहब सोचते होंगे, सिंपल सा मतलब यह है ताइवान बनेगा मेरा हिस्सा, खत्म बात। दोस्तों TSMC आपने शायद इसका नाम सुना होगा, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ध्यान रखिएगा
आने वाले टाइम पे कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आज भी इंपॉर्टेंट है। ताइवान की सेमीकंडक्टर की कंपनी है, इसका ग्लोबल से बहुत 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 स्ट्रांग है। तो दोस्तों आप देखेंगे ना, तो इस तरह के जितने भी देश होंगे ना, इनको आपको बाय डिफॉल्ट सपोर्ट मिलेगा यूएस का, एक तो इंडिया पाकिस्तान को, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, ये इधर नहीं, इधर होना चाहिए पाकिस्तान। क्यों भाई? तो आपको बताया चेक्स एंड बैलेंस, इसी को बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस दोस्तों, इसी को बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस। इसीलिए ना आपको कोई ऐसा एक एग्रेसिव लीडर चाहिए होता है, और वही मिले अभी साउथ कोरिया में, जो चेंज हो रहा है ना वही उसी तरह का चेंज है। लेकिन आपको खैर एक बात आपको बताया था दोस्तों कि अगर आप जियोपॉलिटिक्स को इकोनॉमी से अलग मत कीजिएगा, क्योंकि आज के तारीख में ताइवान सबसे अधिक एक्सपोर्ट चाइना को ही करता है। जस्ट FYI आपको बताता हूँ, ताइवान वैसे भी कुछ बहुत अलग देश नहीं है, चाइना से ही कुछ लोग भाग के आए थे, चांग काई शेक नाम था उनका, 1949 की बात है, और उससे बना था ताइवान दोस्तों। बट जो मेरे बताने का सब कुछ मकसद था वो ये था, कीप एन आई ऑन सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड पे ध्यान रखिएगा, सोलोमन आइलैंड पे बहुत कुछ मेजर डेवलपमेंट होगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। तो इस रीजन में आपको एक मैसिव मैसिव डेवलपमेंट दिखेगा, क्योंकि आज की तारीख में शी जिनपिंग साहब को ये पता है इस दुनिया में ताकत उसके पास रहेगी जिसके पास नेवी स्ट्रांग होगी। तो क्या चाइना की नेवी स्ट्रांग नहीं है? अगर आप बैटल शिप्स के हिसाब से देखेंगे तो चाइना के पास आज की तारीख में 350 से ज्यादा बैटल शिप्स हैं। मेरे ख्याल से यूएस के पास 297-300 ले लेते हैं, 300 के आसपास है। यूएस के पास कम है सर, यूएस के पास बैटल शिप्स कम है दोस्तों, लेकिन जो नेवल बेस है चाइना के पास दुनिया में एक ही, मेरे ख्याल से शायद जिबौटी में होगा, मेरे हिसाब से शायद जिबौटी है, एक ही नेवल बेस है। ऑन द कॉन्ट्ररी यूएस के पास अगर आप देखेंगे 800 नेवल बेस है दुनिया के 70 अलग अलग देशों में, और यही यूएस को इतनी ताकतवर बनाता है। सभी लोग मेरे साथ चल रहे दोस्तों, आप साथ चल रहे मेरे दोस्तों? इस तरह से ना सिर्फ ये बोल देना कि ना व्लादिमीर पुतिन की गलती, एक तरफा बयान हो लगता है मुझे काफी बार, मतलब काफी ना क्या बोलू मैं उसको, बहुत ही वन साइडेड आर्ग्यूमेंट है। लेकिन सर वो आप वीडियोस देखिए, फोटो देखिए, तो वीडियो फोटो वो सब पे तो टोटली वेस्टर्न मीडिया का कब्जा हमेशा से रहा यार, नहीं तो ऐसा है। यहाँ तो सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस आइलैंड पे, इस आर्चिपेलागो आइलैंड पे ध्यान रखिएगा, सोलोमन आइलैंड। आने वाले टाइम पे ये काफी बड़ा फ्लैश पॉइंट क्रिएट होगा यहाँ पे, विद इन फ्यू ईयर्स आप देखिएगा एक मेजर फ्लैश पॉइंट बनने वाला ये। सर आप वो कोरिया के बारे में बता रहे थे, बता रहा था दोस्तों, आज से यहां तक सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं, बोर तो नहीं कर दिया मैं आप लोगों को? यहां तक सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं जी, यहां तक सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा अगर सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं। सुपर से भी ऊपर तरीके से एक बार तो दिल बनाना बनता है, क्या बोलते हैं जी, सभी लोग साथ चल रहे हैं तो? दोस्तों ये रीजन था कोरिया का, ठीक है सिंपल रख देते हैं। इसका नाम था कोरियन पेनिनसुला, इसे कब्जा कर रखा था जापान ने। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की बात है, जापान ने इसको कब्जा रखा था, ठीक है। अब हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जापान हार गया, तो जापान ने जो किया था उसको बोलते थे अनकंडीशनल सरेंडर, तो इसको डिवाइड किया गया। अब डिवाइड किया गया तो ये बना उत्तरी कोरिया, मतलब नॉर्थ कोरिया, और इसकी राजधानी बनी प्योंगयांग, और ये बना दक्षिणी कोरिया मतलब साउथ कोरिया, और इसकी राजधानी बनी सियोल, एस फॉर साउथ कोरिया, एस फॉर सियोल, सिंपल। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो क्योंकि अभी ना मैं एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज आ रहा है, एक और फ्लैश पॉइंट है ये कोरियन पेनिनसुला मेरे हिसाब से, ठीक है। तो एक और फ्लैश पॉइंट ये बन रहा है। तो हुआ क्या, इस वाले एक्चुअली यहां पे एक नदी जाती है, आप मैं मैप रखना भूल गया, सो सॉरी, यहां पे एक नदी जाती है, उस नदी का नाम है यालू, और उधर से भी चाइना शुरू हो जाता। तो अब क्या था, इसको रूल करना शुरू किया यूएसएसआर ने, या सिंपल शब्दों में चाइना ने, चाइना तो 1949 में बना है, लेकिन ठीक है, साउथ कोरिया को यूएस ने, यूके ने, फ्रांस ने, या उसको सिंपल रखने के लिए चलो यूएस ही बोल दो, वेस्टर्न कंट्री से रूल करना शुरू किया। अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हुई कि असली कोरियंस हम है, नहीं असली कोरियंस हम है, और लड़ाई भयंकर खतरनाक तरीके से शुरू हुई। जब लड़ाई शुरू हुई ना दोस्तों, तो इन लोगों ने नॉर्थ कोरियंस, क्योंकि इनके हथियार अच्छे थे, क्योंकि रशिया के कारण, यूएसएसआर की वजह से, तो उन्होंने उसको सप्रेस करना शुरू किया, और दबाते 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 साउथ कोरियंस को यहां तक ले आए थे। एक छोटी जगह थी इंची, एक इधर एक जगह इंचियन और एक पुशान।
आपने एक पर्टिकुलर व्यक्ति का शायद नाम सुना होगा, डगलस मैकार्थर। तो डगलस मैकार्थर जो यूएस की फौज में थे, वो यहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, सरप्राइज अटैक करते हैं साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया पे। तो यहां पे एक छोटे से पॉइंट पे आखिरी जगह पे बचे हुए थे लोग, और यहां सरप्राइज अटैक की इधर से और इधर से, और यहां से खदेड़ना शुरू किया नॉर्थ कोरियंस को ऊपर की तरफ, और यहां से खदेड़ते 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 ऊपर तक पहुंच गए थे। यहां पे चाइना को डर हो गया कि कहीं हमारे एरिया में ना घुस जाए, तो अपनी फौज को चाइना ने यहां पे इकट्ठे कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, शॉर्ट में बता रहा हूं बस। ये 1950 से 1950 से लेके 52 के आसपास की बात है, डेढ़ साल के, डेढ़ से दो साल के। ठीक है दोस्तों, डगलस मैकार्थर ने इधर फोन लगाया यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति को कि सर जी, हैरियस ट्रूमैन थे उस जमाने में राष्ट्रपति, सर जी मैं तो बोलता हूं कि न्यूक्लियर बम मारे के खत्म करेंगे लोगों एकदम। हैरियस ट्रूमैन बोले कैसे कर रहा है भाई, तो कैसे कैसे करता है भाई, मतलब बम मार देगा सीधा, अब भी तो निकल गया भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, नहीं कर रहा है भाई ये सब, प्लीज नहीं कर, बम मारे कैसा, अरे मना कर रहा हूं यार, राष्ट्रपति की इज्जत नहीं कर रहा यार, मना कर रहा हूं भाई। दोस्तों इसके बाद डगलस मैकार्थर को यहां से बुला लिया गया, और इसके बाद अगले कुछ समय तक ये युद्ध यहीं पर चलता रहा। कई लाखों लोगों की मृत्यु हुई, और ये जो बाउंड्री थी ना दोस्तों, ये थोड़ी सी चेंज होगी, जानते कैसे हो गई, ये थोड़ी सी, ये जो बाउंड्री थी ये थोड़ी चेंज होगी, ऐसी आड़ी टेढ़ी हो गई बस। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि यार एक काम करो, 2.5 किलोमीटर का तुम्हारा एरिया, कुछ हमारा एरिया, इसको इन्होंने नाम रखा डीएमजी, डीमिलिटराइज्ड जोन। इसमें आप एंटर भी नहीं कर, आप भी एंटर नहीं करोगे और हम भी एंटर नहीं करेंगे, ठीक है जी, ठीक है, क्या समझ में। आज भी टेक्निकली इन्होंने पीस ट्रीटी तो साइन किया नहीं है, इन्होंने पीस शांति समझौता तो साइन किया नहीं है, सो टेक्निकली नॉर्थ एंड साउथ कोरिया आज भी युद्ध पे है। इन्होंने जो चीज किया उसको युद्ध विराम बोलते हैं, इंग्लिश में उसको आर्मिस्टिस बोलते हैं, आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस मतलब होता है युद्ध विराम, सो टेक्निकली दे आर स्टिल ऑन वॉर, ठीक है। लेकिन सर इसके बारे में इतना ज्यादा कुछ सुना नहीं, इसलिए नहीं सुने क्योंकि दो महायुद्धों के बीच में हुआ था, और ये जो दो महायुद्ध थे ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड वियतनाम का वॉर, इसके बीच में ये दोनों युद्ध हुआ, इन दोनों युद्धों के बीच में ये हुआ था द कोरियन वॉर, इसलिए इसके बारे में उतना ज्यादा आइडिया नहीं है। मैं बात आपको क्यों बताया, ये बात मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि कमोबेश अभी भी ना, जब ये डिस्कशन होता है यहां से किम जोंग उन जो एकदम गुस्सा आ जाता है कि मैं छोड़ेगा ना आए, मैं साउथ कोरियंस को छोड़ेगा ना आए, अब उनकी भाषा तो मेरे को पता नहीं इसलिए ऐसे बोल दिया, और एक से एक ICBM मतलब एक से एक बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये तो वो दुनियादारी की चीजें टेस्ट करते रहते हैं। नहीं भूलिएगा मत ना, इनको क्लियर पूरा सपोर्ट होता है चाइना का, ध्यान रखिएगा इस बात को, नॉर्थ कोरिया को पूरा सपोर्ट होता है चाइना का, नॉर्थ चाइना किससे, नॉर्थ कोरिया के थ्रू बैलेंस करता है किसको, दो देशों को दोस्तों, साउथ कोरिया को और जापान को, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। और यही कारण है कि साउथ कोरिया भी गाजे बाजे के साथ बोल रहा है कि बाबू क्वाड अपन ज्वाइन करेगा। दोस्तों अभी साउथ कोरिया में अभी जो सीन चल रहा है वो ये है कि इनके भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर मून वो जा रहे हैं, और जब वो जा रहे हैं तो इनके राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री बोल दिया शायद मैं, तो इनके भूतपूर्व राष्ट्रपति जा रहे हैं, मिस्टर मून साहब जा रहे हैं, इनके नए राष्ट्रपति आ रहे हैं, इनको ये सब समझ, ये सब जानते नहीं कौन है नॉर्थ कोरिया। सर वो बहुत वो ऐसे अच्छे से मुंडू टाइप ही नहीं, सर ऐसे बाल एकदम छोटे छोटे कटा के इतना सा याद नहीं आ रहा है, सर थोड़ा मुटलू टाइप ही नहीं, सर ऐसे बाल छोटे कटा है। अच्छा वो क्या हमको मारे, रुक जब अब हम ही जो उठा के पटक देंगे उनको, तो एग्रेसिव व्यक्ति है दोस्तों मैं बताना चाहता था, इसलिए इनको ना मतलब मनमौजी टाइप के व्यक्ति है भी, इसलिए इनको बोल रहे हैं कि साउथ कोरिया के नए ट्रंप आ गए। इनका नाम है, मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर दूंगा हो सकता है, लेकिन इनका नाम है यून सुक योल, अब मुझे नहीं पता मैंने सही प्रोनाउंस किया गलत, लेकिन ये नाम इनको दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये भी थोड़ा हार्डलाइनर व्यक्ति है, इन्होंने बोला कि ये नॉर्थ कोरिया क्या करेगा जी, हम ही लोग उठा के पटक देंगे उनको। तो आने वाले टाइम पर ना अभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, क्योंकि ना पिछले कुछ ईयर्स से अगर आप देखते ना तो हमेशा आपको नॉर्थ कोरिया काफी ज्यादा एग्रेसिव मिलता, साउथ कोरिया थोड़ा सा सबड्यूड तो नहीं बोलूंगा लेकिन शांति रहता था, ठीक है शांति रहता था।
और यही कारण है इन्होंने आते ही बोला कि बाबू अपने को क्वाड मांगता है। तो आने वाले टाइम पे क्वाड, क्वाड में कौन कौन से देश है भाई दबे? आपको यूएस मिलेगा, आपको इंडिया मिलेगा, आपको जापान मिलेगा और आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, राइट? आपको आने वाले वक्त में साउथ कोरिया। और मैं आपको यही चीज बता रहा था जो इन्फ्लुएंस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बता रहा था कि चाइना के थ्रू नॉर्थ कोरिया जो है वो सॉरी चाइना जो है नॉर्थ कोरिया के थ्रू बैलेंस करता है जापान को और साउथ कोरिया को, जापान को साउथ कोरिया को। आप देखिएगा बहुत जल्द साउथ कोरिया आपको क्वाड ज्वाइन करते दिखेगा, वेरी वेरी सून, विद इन अ फ्यू ईयर्स। अभी ऑब्जर्वर रहेगा, फिर वेरी वेरी सून वो ज्वाइन करते हुए आपको मिलेगा दोस्तों। यहां तक सभी लोग साथ चल रहे हैं दोस्तों। तो इनके भूतपूर्व जो अब तो भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए मिस्टर मून जे इन, वो जा रहे हैं मिस्टर मून जे इन, MOON मून जे जे ए इन, ये साहब जा रहे हैं। अभी ये फोटो रखा नहीं हूं, समझ में आएगा सभी को? यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? एकदम सुपर से ऊपर वाले तरीके से क्लियर है क्या? एकदम मजेदार तरीके से क्लियर है क्या? बेहतरीन तरीके से क्लियर है क्या दोस्तों? एक दिल बनाना बनता है जी, थके अगर नहीं थके तो दिल बना दो, थक गए तो फिर बता देना बंद कर दूंगा, क्या ही है ना? थक गए तो बता देना यार, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब समझ रहे हो? थक गए होगे तो थक गए, उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं थक गए होगे तो फिर क्या ही करेंगे? आपके घर में सनफ्लावर ऑयल आता है? हाँ सर, मैं तो बाल में भी लगाता हूँ। बाल में लगाते हो? मजाक किया। तो हमारे देश में जो सनफ्लावर ऑयल आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? हमारे यहां पे तीन देशों सनफ्लावर ऑयल आता है, एक आता है यूक्रेन से, एक आता है रशिया से और एक आता है अर्जेंटीना से। शॉर्ट में लिखा हूं जी, समझ जाना, तीन देशों का नाम लिखा है मैंने, एक लिखा है मैंने यूक्रेन, एक लिखा है रशिया, एक लिखा है अर्जेंटीना। क्या परसेंटेज है? एक रफ आइडिया देता हूं आपको, तकरीबन 70% सनफ्लावर ऑयल ना यूक्रेन से आता है, तकरीबन 20% सनफ्लावर ऑयल रशिया से आता है और तकरीबन 10% सनफ्लावर ऑयल अर्जेंटीना से आता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यूक्रेन से जो सनफ्लावर ऑयल आता था ना, ये एकदम बंद हो गया अभी, ठीक है। और आपको ये बताने के पहले भी बात बोल देता हूं, चाहे कुछ भी कर ले हम लोग, सनफ्लावर ऑयल का शॉर्टेज थोड़े टाइम तो रहेगा ही, और इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है ताकि सभी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लें उस चीज की। इसलिए आपको बताना इस बात को, यार जब है दुनिया में प्रॉब्लम तो है, आज जिस दौर में आप जी रहे एक्सट्रीम ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और जब ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो कोई प्रॉब्लम है तो फिर है। तो हालांकि हम लोगों ने यह बोला है कि हम रशिया से सनफ्लावर ऑयल की यू नो पूर्ति आपूर्ति करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन हम कितना भी कर ले मैं आपको बता देता हूं नहीं हो पाएगा, ये आपको मैं क्लियरली बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, अच्छा इसलिए ना मनी कंट्रोल में एक हेडिंग आई थी, आप वो हेडिंग देख लो कहां से लगे, इंडिया टू अप्रोच रशिया। तो हम रशिया को अप्रोच करने वाले हैं किस चीज के लिए? फॉर कंसेशन ऑन सनफ्लावर ऑयल, कि सर अगर पॉसिबल हो तो प्लीज हमको कंसेशन दीजिए, भूलिएगा मत, रशिया से हम लोग 20% सनफ्लावर ऑयल देते हैं। रशिया इंपोज्ड अ सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट कोटा ऑफ 1.5 मिलियन टन एंड बैंड शिपमेंट्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल टिल अगस्त 31st। इंडियन इंपोर्टर्स हैव इन्फॉर्म्ड द गवर्नमेंट दैट हायर एक्सपोर्ट ड्यूटीज फ्रॉम मॉस्को। तो हम लोग ना कोशिश कर रहे हैं कि हम मॉस्को कन्विंस करें, मतलब रशिया कन्विंस करें कि सर सस्ते में थोड़ा प्रोवाइड कीजिए ना, क्योंकि सर हमारा ना मार्केट ऑलरेडी काफी इन्फ्लेट कर गया है। हम चाहते थे ना, हम हमेशा कोशिश करते कि हमारा मार्केट 4% प्लस माइनस 2% से इन्फ्लेशन रहे, महंगाई दर रहे, लेकिन ऑलरेडी अपना मार्केट काफी इन्फ्लेट कर गया है। इसका एक और रीजन भी है। तो दोस्तों यहां ये जो मैं आपको बात बोल रहा हूं, सब ध्यान से सुनिएगा ना, हमारा मतलब हिस्टोरिकली हम एडिबल ऑयल यहीं से लेते आ रहे ना, यूक्रेन से रशिया से यहीं से लेते आ रहे हम लोग। और इसको ना दोस्तों आज की तारीख में आप इन्फ्लेशन, ये क्यों जरूरी है इसे आपको क्यों बता रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो 18 महीने का इन्फ्लेशन अभी के टाइम पे आप देखिए, जो अप्रैल में नंबर आया, तकरीबन 8% हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, 7.8% प्रिसाइसली, बट तकरीबन 8%, इट्स अ ह्यूज नंबर। लेकिन इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, इस नंबर को इसलिए नहीं देखना चाहिए, इसका बहुत इसके बहुत सारे रीजंस हैं। रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध ने पूरी दुनिया में सप्लाई चेन को तोड़ के रख दिया दोस्तों। अब इसके अलावा एक और भी चीज है जिस पे एक पार्ट प्ले कर रही है, पता है क्या? जो पाम ऑयल हमारे यहां पे आता था,
आपको पता हो जो पाम ऑयल जो आता था मेनली अपन इंडोनेशिया से लेते थे, वहां पे जो शॉर्टेज के कारण वहां वहां से भी हम कम इंपोर्ट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके कारण ना आपको सीधा सीधा इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी देखते हैं, इसमें टाइम लगेगा, ये काफी थोड़ा लंबा समय लगेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो अभी काफी टाइम लगने वाला है इस चीज में, तब तक के हम अभी रिकॉर्ड हाई प्राइस पर रशिया से खरीद रहे हैं। लेकिन आपको बता देता हूं कि जो हम 70% के आसपास जो हम यूक्रेन से लेते थे उसकी पूर्ति कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी इतना आसान रहेगा नहीं। इतने सारे सैंक्शंस हम लगे हुए हैं रशिया पे दोस्तों आज की तारीख में, दन 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 पूरे तकरीबन पूरी दुनिया, चलो सिर्फ यूएस लगाता ना तो भी रशिया झेल जाता, मैं आपको रियली बता रहा हूं। या फिर इसको इस तरह से बोलूं कि रशिया के पीछे शायद चाइना खड़ा होता, चाइना के ऊपर बहुत रिलाय नहीं कर सकते लेकिन फिर भी। लेकिन आज की तारीख में यूएस के अलावा पूरे यूरोपियन कंट्रीज, जापान, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सैंक्शन लगा दिया रशिया पर, दन 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 इतना कि यहां से ना चाइना भाग गया, मतलब भागना शुरू कर दिया। ऑन पेपर जो जो चाइना की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है वो रशिया से निकलनी शुरू कर दी। और न सिर्फ ये, अब देखेंगे तो दुनिया में इतना बड़ा डायमंड मार्केट इंडिया में दोस्तों, न सिर्फ ये दोस्तों, आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट आज की तारीख में डायमंड से लेके हमारे इंडियन एयरफोर्स, आपको ध्यान होगा तो इंडियन एयरफोर्स का जो हमारा जो डील था कितना 35,000 करोड़ के आसपास का जो ये, तो जो हमारा भी सुकोई का मेंटेनेंस होने वाला था वो भी अभी, ऐसे बहुत सारी चीजें दोस्तों, क्योंकि हम लोग दुनिया के बहुत बड़े आम इंपोर्टर्स हैं और हम मेनली इंपोर्ट करते रशिया से। जितना ये युद्ध आगे बढ़ेगा ना, मैं आपको एक बात कहता हूं, इतना इन हथियारों का मेंटेनेंस, जो हम हथियार खरीदने वाले थे, ये सारी की सारी चीजें उतने उतना ही ठंडे बस्ते में जाएंगी, उतना ही ना डिले होना शुरू होगा। चाहे कुछ भी ले लीजिए आप, चाहे वो MiG-21, MiG-29 कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप रफाल को ले लीजिए, चाहे आप आपका ये Sukhoi-30 को ले लीजिए, तेजस, वो जिसको भी लेना आप वो ले लीजिए। तो ये जितने भी आप लेंगे ना, तो ये सभी लोगों का मेंटेनेंस होगा, जो उसके स्पेयर पार्ट्स हम लेते थे इन देशों से, ये जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से लेके जितनी भी चीज़ें हम लेते थे, ये ना अभी सब डिले होना शुरू हो रहा है। अब इसका इम्पैक्ट दुनिया में देखना शुरू हो चुका है दोस्तों। एमिड यूक्रेन रशिया वॉर, इंडियन एयरफोर्स ₹35,000 करोड़ प्लान टू अपग्रेड Sukhoi-30 फाइटर फ्लीट पुट ऑन ब्लैक बैक बर्नर, मतलब ये अब डिले ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, बहुत सारे प्रोजेक्ट, क्योंकि आज के दौर में ना दोस्तों, जिस दौर में आप और मैं जी रहे हैं, इस दौर में एक देश दूसरे देश पर निर्भर करता है। आप दुनिया में डायमंड के मार्केट को भी आप देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, पूरी दुनिया के डायमंड के मार्केट में, पूरी दुनिया में किसी भी देश में आप जाइए, डायमंड अगर आपको देखेंगे तो आपको दुनिया में डायमंड में सबसे बड़ा जो बादशाह दिखेगा एक्सपोर्ट में, वो आपको जो देश दिखेगा वो इंडिया है। हम लोग एक बहुत सस्ते रेट में, सस्ते मतलब हमको भी सस्ता पड़ता था, रशिया को भी ठीक पड़ता था, रॉ कच्चा डायमंड हम लोग लेते थे रशिया से और उसको साफ ऑफ करके कट उट करके पूरी दुनिया के मार्केट, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में बेचते थे। आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट से बोला कि एक बात हम आपको बताते हैं सर जी, आप ठीक है चलो हथियार ले रहे हो, आपने बोला कि आपको ये आप ऑयल वगैरह लोगे, चलो सारी चीजें मान गए हम लोग रशिया से, लेकिन ये जो आप जो डायमंड ले रहे हैं ना सर, नहीं सो सॉरी, तो हर वो डायमंड जिसका सोर्स रशिया रहेगा इसको मैं अपने मार्केट में अलाउ नहीं कर पाऊंगा। आप देख रहे हो दोस्तों, एक रशिया यूक्रेन वॉर से पूरी दुनिया पे क्या भयानक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ये जो इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं, तो आने वाले वक्त में ये वो इंडस्ट्री जो बूम करती हुई इंडस्ट्री दोस्तों, आने वाले वक्त में ऐसा कहा जाता था कि कुछ नहीं तो $20 बिलियन की इंडस्ट्री है। आप में से जो गुज्जू है, मतलब जो गुजरात से है, वो तो बिल्कुल इस बात को जानते होंगे कि डायमंड की इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री गुजरात में। तो ये सारी की सारी चीजों में, और आज की तारीख में जो आप जो जो ये देखिए सैंक्शन, यूनाइटेड स्टेट्स टेल इंडिया टू स्टॉप ट्रेड विद रशिया, कि भाई वो ये ट्रेड जो है वो डायमंड, पीछे बैकग्राउंड देखें आपको डायमंड दिखेगा कि डायमंड वो जो रशिया से आ रहे ना वो नहीं आने चाहिए। दोस्तों दुनिया ना कुछ इस तरह से बनी है, आपको बता दो क्या होता है, कभी भी जब कोई संकट आता है ना, जैसे कि देखिए क्या होता है, आप किसी भी देश में पैसा किस फॉर्म में आता है, आपके यहाँ पे FDI से फॉरन मतलब डॉलर आता है, नहीं फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आता है, FPI से आता है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से आता है, एंड FII से आता है। अब आप चाहें तो FII डोमेस्टिक वालों को DII भी, ध्यान से सुनिएगा जो आपको बता रहा हूँ, एक अच्छा पॉइंट बताओ ध्यान से सुनेगा दोस्तों। अब इसके पहले तक क्या होता था, इसके पहले तक ये होता था कि दुनिया में जितने भी देश है जो आपके यहाँ पे पैसा लगाते थे,
या वो भारतीय जो दूसरे देशों में रहते भी हैं, वो भी जब इन्वेस्टमेंट करते थे आपके हमारे अपने खुद के देश में, कैसे होता देखो। तो जब भी कभी क्राइसिस आता था, 2008 का ग्लोबल मेल्टडाउन देखिए, तो कभी भी जब क्राइसिस आता था ना दोस्तों, तो आपका देश कितना भी अच्छा कर रहा हो, क्योंकि क्राइसिस आ गया तो वहां से ना ये जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं अपने पैसे को निकालते थे और यूएस की तरफ शिफ्ट कर देते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड बिलीव्स इन डॉलर, यूएस डॉलर, और इसलिए ना इसलिए क्या होता था, जितने भी डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो कभी भी क्राइसिस सिचुएशन की हालत खराब हो जाती है। 2008 का जो क्राइसिस आया था ना दोस्तों, रिसेशन जो आया था, अगर वो यूएस की जगह दुनिया किसी भी और देश में होता, यकीन मानिए हालत खराब होती उस देश की, सांस फूल जाती उस देश की, हो सकता है कि मतलब वॉर, सिविल वॉर जैसी स्थिति हो जाती, टूट जाता हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो यूएस एंड द वर्ल्ड बिलीव्स इन यूएस स्टोरी, तो उल्टा ये हुआ कि बाकी डेवलपिंग इकोनॉमी से पैसा निकला और यूएस की तरफ पैसा चला गया। मैं समझ नहीं सर आप ये बात क्यों बता रहे हैं, दो कारणों से। आज की तारीख में जो आप रुपए को गिरता हुआ देख रहे हैं ना, उसके लिए सोलली सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं मान गया रुपए गिर रहा है, मैं मान गया, हो सकता है आने वाले कुछ ईयर्स में आपको रुपए 90 से 100, एक डॉलर हो सकता है आने वाले वक्त में एक डॉलर बराबर 90 रुपए 100 रुपए, ऐसा भी हो सकता देखने को मिले। हालांकि रियली डाउट ऐसा हो, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होगा जिस रेट से हम लोग ऊपर आ रहे हैं एज अ कंट्री, एज अ नेशन, आई डाउट। लेकिन ठीक है चलो, अगर ये ऐसा भी आप बोलोगे तो अभी क्या हो रहा है आपको मैं बताता हूँ। अभी ये हो रहा है दोस्तों कि आप दुनिया में देखेंगे ना तो रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते एक और क्राइसिस डेवलप हुआ, और जब एक क्राइसिस डेवलप हुआ ना तो दुनिया के बड़े बड़े FDIs, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स डेवलपिंग कंट्री से पैसा निकाले और अपनी जगह पे लेके गए। चलो ये तो समझ में आता है, ये तो नॉर्मल प्रोटोकॉल है जैसा होता ही है। लेकिन ये पिछले जो 2 साल में चाइना की मार्केट इमेज बनी है, तो वो इन्वेस्टर्स जो चाइना में पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे वो निकाल के इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किए। यकीन माने दोस्तों, थिंग्स आर गोइंग एब्सोल्युटली हेवायर। मतलब इतना कंफ्यूजन अभी क्रिएट हुआ है ना पूरी दुनिया की इकोनॉमी में, किसी को समझ में नहीं आ रहा कौन कैसे। मैं आपको 2 सवालों का जवाब दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पहली चीज, जो डॉलर और INR ये जो बता रहा है ना अभी, ये सच्चाई नहीं बता पा रहा है। और दूसरी चीज आपको समझना पड़ेगा जब आप ये बोलते हो कि यार मैंने तो पढ़ा था सर ऑलमोस्ट 6,500 रुपए, इतना करोड़ INR में बोल रहा हूं, इतना पैसा FDI से निकल गया, FPI से निकल गया और वापस चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, मार्केट टूटेगा, फर्क पड़ता ही है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, इसी तरह से जो पैसा चाइना में जाता था पिछले 1.5-2 साल में, जो मार्केट में इमेज चेंज हुई चाइना की, वही पैसा इंडिया की तरफ आना शुरू है। क्योंकि दोस्तों भूलिएगा मत, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, हम किस चीज फिलोसफी में बिलीव करते हैं, वी बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। हम बिलीव करते हैं इंडिया एज अ कंट्री, अपना ऐसा रेयरली सुनेंगे कि हम किसी की, मतलब ऐसा आप कभी सुनो कि हम किसी की जमीन को कब्जा लिए, ऐसा कभी नहीं सुनोगे आप। हम हमेशा बात करते हैं द थर्ड वे, सिर्फ यूएस का तरीका और सिर्फ कम्युनिस्ट तरीका क्यों, द थर्ड वे एंड दैट इज द इंडिया वे व्हिच इज इक्वल्स टू पीस, जो कि शांति का रास्ता है। आप अपने घर में खुश रहो, हम अपने घर में खुश हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड डिपेंडेंस, जो चाइना करता है कि अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंट, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। आप में क्या अच्छा है वो लेके आओ टेबल पे, हम में क्या अच्छा हम लेके आएंगे, कुछ गजब की चीज क्रिएट करेंगे। दिस इज व्हाट यू कॉल इंटरडिपेंडेंस। आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, आज की तारीख में आप यूनाइटेड स्टेट्स से लेके यूके तक चले जाइए, मतलब यूरोप तक चले जाइए, आज देख रहे हैं आप महंगाई हर एक जगह, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अरे इंग्लैंड में इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% है यार, 10% क्या होता है यार 10%। आज की तारीख में आप दुनिया की बड़ी बड़ी, जब मैं दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बोल रहा हूं दोस्तों, तो G20 कंट्रीज बेसिकली, तो आप जब इनको देखेंगे, ये 6,400 करोड़, वो कोई बड़ी, मतलब बड़ी चीज है, बड़ी चीज कैसे नहीं होगी, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनको इंडिया की मार्केट में ट्रस्ट पहले खत्म हो जाता था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं खुद मान रहा हूं कि यहां पे पैसा फ्लाई कर रहा है इंडिया के मार्केट से वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ फ्लाई कर रहा है, मैं मान गया। लेकिन इसमें एक और फैक्टर मिसिंग है दोस्तों, और वो फैक्टर ये है कि जो पैसा चाइना की मार्केट में इन्वेस्ट होता था वो इंडिया की मार्केट में, मैं आपको उसका ना थोड़ा सा दूसरी तरफ से मैं इस बात को कनेक्ट करना चाहता हूं आपको। कैसे सर? दोस्तों इन साहब को पहचानते हैं आप? WHO के डॉक्टर टेड्रोस एडनियोम जिब्रियास,
अभी WHO ने बड़ा अजीब सा पॉइंट बोला, ठीक है जैसा भी आप उसको जो भी समझे, WHO ने काफी अजीब सा पॉइंट बोला, नहीं WHO ने बोला कि नहीं हमको डाउट है इंडिया में कोविड के चलते जितनी मृत्यु हुई है, नहीं नहीं वी रियली डाउट ऑन दिस। सिंपल सी बात है, जो भी नंबर इंडिया में दिख रहा है उससे कुछ नहीं तो भी ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा नंबर है। दुनिया के अलग अलग देशों में अगर आप देखेंगे तो इजिप्ट में जो नंबर दिख रहा है ऑलमोस्ट उसमें से 12 गुना ज्यादा नंबर है। ऑलमोस्ट आप पाकिस्तान में जो नंबर देख रहे हैं ऑलमोस्ट 8 गुना ज्यादा नंबर है उससे। सर मैं आपकी बात मान गया, हो सकता है, इतना क्लियर सर आप कभी ये क्यों नहीं बोले कि ये ना सिर्फ कोविड, आपसे बोला गया था ना सर कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोज करते हैं सर, इटली ने किया था जनवरी में, 22 जनवरी के आसपास। अरे नहीं नहीं भाई कैसे कर रहे हो, बिल्कुल क्लोज मत करो, इससे चाइना का नाम खराब होगा। लोगों ने इसका नाम पहले वुहान वायरस बोला था, आपको याद है, फिर लोगों ने चाइनीज वायरस बोला, तो इन्होंने बोला नहीं 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 ऐसा मत करो, इससे देश का नाम खराब होगा। आपको याद होगा दोस्तों इटली में इतना फैला नहीं था वायरस, इटली में फिर एक कैंपेन चला हग चाइनीज कैंपेन, तो लोगों ने चाइनीज लोग उनको हग करना शुरू किया, गले लगाना शुरू किया ताकि यू नो माहौल खराब ना हो। आज तक एक ऐसा वायरस ने पूरी दुनिया को बंद करके रख दिया, उसका ओरिजिन का था पता नहीं, कैसे पॉसिबल है यार ये? आप सोचो ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था, आज तक किसी को नहीं पता, ये किस किस तरह की बात हो रही है। सर मान गए, सब मान रहे, हो सकता है, हो सकता है मतलब डेवलपिंग नेशन आप लोग रिपोर्ट नहीं किए, ठीक से मान गए, हो सकता है हमारी आप ये बोल रहे हो ना कि आप यू नॉट दैट कॉम्पिटेंट, चलो मान गए कॉम्पिटेंसी, लेकिन फिर WHO तो कॉम्पिटेंट है। अरे WHO ही कॉम्पिटेंसी अपनी फुल यूज करता और बताता कि यहां से इस वायरस का ओरिजिन कहां से हुआ है। 2 साल हो गए अता पता नहीं है यार ओरिजिन का क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन था, कैसे पूरी दुनिया में फैल गया यार। आप सोचो आज वो वायरस, एक जो वायरस जिसकी शुरुआत पूरी दुनिया की इकोनॉमी उड़ गई यार। आप समझ लो, आप दोस्तों जो अपने घर में बैठे दोनों टाइम का भोजन करूं, क्या पता चलेगा यार। आज कई लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई, कई लोग हैं जिन जो रोड पे आ गए, कितने लोगों की मृत्यु, कितने लोग अनफॉर्चुनेट टाइम से गुजरे। नहीं, पीपल नेवर सब्सक्राइब फॉर दिस। बिल गेट्स साहब ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों कि नंबर गलत होगा, मैं ये कह रहा हूं कि एक डेवलपिंग नेशन होने के नाते एंड विद अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़ की आबादी के देश होने के नाते वी हैव डन डीसेंट, वी हैव डन बैड। देखिए आपको याद होगा तो ब्राजील के जार बोल्सोनारो साहब को आप देखिए, इंडिया ने बकायदा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उनको भेजा था, नहीं भेजा, दुनिया कितने देशों में हम लोगों ने मास्क भेजा, दवाइयां भेजी, सब कुछ भेजा। बिल गेट्स साहब ने बोला मुझे लगता है कि ना मेरे जीवन काल में एक और पेंडेमिक आएगा और उसके बाद ही मैं यहां से जाऊंगा ऊपर, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे ज्यादा। अब याद कीजिए ना दोस्तों अप्रैल का टाइम आप याद कीजिए, अगर आपको याद होगा ट्रंप साहब का टाइम आप याद कीजिए, अप्रैल छोड़ो मार्च का टाइम, 8 या 9 मार्च का ट्रंप साहब का ट्वीट देखना, आपको याद नहीं आ रहा डेट, अब वो डेट याद नहीं आ रही है, उस दिन का आप ट्वीट देखिए ना ट्रंप साहब को, उस ट्वीट में बकायदा उन्होंने मेंशन किया था दिस विल जस्ट फेड अवे। दोस्तों दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी ये डिस्कस कर रही है कि मास्क लगाना है कि नहीं लगाना, अरे बांट दो मास्क यार, इतनी बड़ी इकोनॉमी। न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में जो केसेस थे, अगर आपके कोई दोस्त, मेरा दोस्त है न्यूयॉर्क में, मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए मैं उससे पूछा था एक बात था तेरे यहाँ पे स्थिति क्या है, तो उसने मुझे बताया मैं 2 महीने पहले घर से बाहर निकला था, भाई हिम्मत ही नहीं है, राशन के लिए ना नंबर लगाना पड़ता है, राशन आके पहले रहता है, हम लोग उसको बाहर रखते हैं, फिर उसको खाता हूँ धूप में, फिर उसके बाद उसको घर के अंदर लेके आता हूँ, ये स्थिति थी। I'm not saying WHO is responsible for this, but I'm saying that we need to fix the accountability. Whosoever was accountable for this, what exactly has happened? Nobody knows this, right? किसी को आइडिया नहीं क्या हुआ। एक फाइनली एक छोटी सी बात और बताऊं दोस्तों, इतने सारे सैंक्शंस, धन सैंक्शंस को देखते हुए चाइना ने बोला कि बस सर जी हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, और जितने भी टेक जायंट्स हैं चाइना के, ऑन पेपर मतलब ऐसे गाजेबाजी के साथ बता नहीं रहे, लेकिन वो लोग रशिया से निकलना शुरू कर दिए। अब दोस्तों ये रशिया को हर्ट होगा लॉन्ग रन में, क्योंकि रशिया ने भी सोचा था कि यार चाइना तो खड़ा रहेगा ही, लेकिन अभी रशिया को भी पता चल गया होगा यार बहुत ज़्यादा यार आप लोग ना विश्वसनीय हो नहीं जितना मैं सोचता था। दोस्तों एक जमाना था जब पाकिस्तान ने बहुत खुश हुआ 2015 के आसपास कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक नए दोस्ती की शुरुआत हो रही है, ये है वो है, दुनिया इदारी है। पहली चीज़ चाइना को समझ में आ गया कि भाई
हो सकता है मैं दुनिया में वो डॉलर डिप्लोमेसी, चेकबुक डिप्लोमेसी, युआन डिप्लोमेसी जो नाम से कर दो, डेट ट्रैप कर दो, मैं पाकिस्तान में कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, कुछ भी हो जाता वहां तो यार, ये मैं ऐसे नहीं हो पाएगा। जब तो कोई और कुछ क्या ही करेगा, चाइना ही बेचारा पीछे हट गया, बोला सर आपके यहाँ तो कोई कुछ नहीं होता, रख लो जितना रोड बना सब रख लो आप। तो आज की तारीख में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक एब्सोल्यूट फ्लॉप शो है, एक एब्सोल्यूट फ्लॉप शो है दोस्तों। आपने देखा हो तो मिस्टर इमरान खान साहब जो है, जब अभी प्रधानमंत्री पद से निकले तो अभी तुमको जाना पड़ा प्रधानमंत्री पद से, सीधी सी बात मैं आपको पहले भी बोला दोस्तों कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इलेक्ट नहीं सेलेक्ट होते हैं, ये जितना बुरा लग रहा हो उसके लिए आई एम सॉरी बट ये सच्चाई यही है। तो वहां पे जो भी आर्मी को पसंद है उनके हिसाब से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राइट। तो आपने पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान से अपने आप को दूर किया, इसके बाद इशारा मिला जो अपोजिशन उनको कि देख लो भाई चल बैठो, तो यहाँ पे अपोजिशन चल बैठा आज की तारीख में। अच्छा, उसके अलावा इमरान खान साहब ने यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत खरी खोटी सुना दी, और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज को कि हम आपके नौकर थोड़ी बैठे। देखिए इंडिया जो उनकी फॉरेन पॉलिसी देखी है, आपने देखा होगा स्पीचेस और को देखा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स को कि आप वहां पे बैठ के आप और नवाज शरीफ जो है मेरे मुझे प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और फाइनली फिर शहबाज शरीफ आई गए, और शहबाज शरीफ ना आप साहब ने पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया अपने लोगों को कि कुछ भी बोलोगे बाबू याद रखना यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ बोले तो कोई और चो, हम ही लोग इतना फोड़ेंगे ना कि क्या याद करोगे। तो उसको कुल मिला के आज की तारीख में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ना, इट्स अ गॉन प्रोजेक्ट आज की तारीख में, तो कम से कम इट्स अ डेड प्रोजेक्ट, राइट। अभी तो इसमें ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा कुछ होगा, लेकिन आज की तारीख में ये हो गया कि यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान इनके रिलेशंस थोड़े से बेटर होने शुरू हुए हैं। लेट्स सी, अच्छी बात है। मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ दोस्तों, एक डेमोक्रेसी होने के नाते हम चाहेंगे कि हमारे आसपास डेमोक्रेसी जिंदा रहे। डेमोक्रेसी का जिंदा रहना जरूरी है। आप कितना भी यूएस को खरा खोटा कुछ भी सुना लीजिए, लेकिन ये बात भी सच है, दिस वर्ल्ड नीड्स अ स्ट्रांग यूएस, एज सिंपल एज दिस। यही था दोस्तों हमारा आज का सेशन। मैं अपनी तरफ से अपनी बातें रख पाया हूंगा, आपको शायद आई डोंट नो कि आपको मजा आया कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको मजा आया कि नहीं। मैंने कल एक सेशन लिया था दोस्तों, 10 चीजें जो आपको गेट 2023 के लिए मेरे हिसाब से चाहिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप जरूर से देखिएगा, शायद आपको मजा आए इसमें। लड़के एप्टीट्यूड की क्लास चल रही है, ऐप में चल रही है, राइट। किस बच्चे ने पूछा मैं अचानक देख पाया, किसी ने पूछा है चिराग एप्टीट्यूड की क्लास आप अटेंड नहीं कर रहे होगे, आप सभी लोगों को भी क्लियर करता हूँ, एप्टीट्यूड की क्लास ना ऐप में चल रही है, उसमें कोड लगा सकते हैं और वो स्पेशल क्लास है। इसके पहले कि चिराग दोबारा कमेंट करेगी सर वो तो पेड स्टूडेंट, उनकी तो चली रही है, लेकिन स्पेशल क्लास मैं आज ही लिया था, थोड़ी देर पहले ज्योमेट्री की क्लास लिया था। आप में से जितने लोगों ने अटेंड किया उनको पता होगी। तो एप्टीट्यूड की क्लासेस वगैरह भी मैं ऐप में ले रहा हूँ एट द वेरी सेम टाइम, ठीक है जी। तो देखिएगा उसको भी, तो ये आप अगर आपको मजा आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मस्त तरीके से। ऐसे बहुत सारे वीडियोस है यार, एप्टीट्यूड ये तो रहा, 4 घंटे का सेशन कहाँ चला गया, ये रहा, ये देखो लड़के ये तो लिया था एप्टीट्यूड, 4 घंटे एक साथ लिया था। जब भी मैं यूट्यूब में आ रहा हूँ तो एप्टीट्यूड एक साथ ही ले ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आप कहाँ बोल रहे हैं सर, यार देखो अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके रखना, गेट ESE में दिखूंगा मैं, ये फॉलो करके रख लेना आप, ये तो मेरा वो जो कोर्स चल रहा है वो है, ठीक है। और इसके अलावा ये एक से एक अभी और मेरा नया कोर्स आ जाएगा, उसके पहले आप सब्सक्राइब करके रख लेना, कोड यूज कर सकते हैं ST26। दोस्तों ये जरूर से आप देखिएगा, 9th May से लेकर 12th May अगर आप इस बीच में सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ये कोड यूज कर रहे हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक से एक इंडिया के जो टॉप एडुकेटर्स हैं उनका हैंड रिटन नोट्स आपके पास पहुंचेंगे, 8,000 pages के आसपास का है। तो जरूर से देखिएगा, इसका पूरा फायदा उठाइएगा। अगर आपको सब्सक्राइब करना है अभी कीजिएगा, प्लस या आइकॉनिक जो भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ठीक है। एक से एक फीचर्स आपको मिलेंगे, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगे, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, फिजिकल नोट्स, सारी की सारी चीजें मिलती हैं आपको दोस्तों। दोस्तों बहुत सारे बैचेस अभी शुरू हो रहे हैं, ज्यादातर जगहों पे एप्टीट्यूड मैं ही पढ़ाऊंगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं आपके बैच जो भी आपके लिए रिलेवेंट बैच हो आप देख सकते हो, आइकॉनिक से लेके प्लस कोई भी सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हो। आई एम रियली सॉरी टू से, अभी बहुत जल्द एक हाइक होने वाली है, जल्द अगर आप सब्सक्राइब करने का सोचेंगे तो उसमें लेट मत कीजिएगा, वैसे भी लेट क्या करेंगे, 9 महीने तो बचे हुए हैं, फेब में तो पेपर ही आ जाएगा, देखते देखते अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। एक 9 महीने का सब्सक्रिप्शन आया हुआ है, ये जरूर देखिएगा, पहले 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का होता था, 9 महीने आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया, ये वाला कोड यूज कर सकते हैं। मेरी हैंड होल्डिंग होगी थ्रू आउट द ईयर, एक बकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है सभी स्टूडेंट्स का, उसमें मैं, मेरी इंडिया की टीम, सभी लोग साथ रहते हैं,
जो भी दिक्कत होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, मैं रहता हूँ उसमें। अनअकैडमी का दोस्तों आप चाहे तो प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, ये पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिपरेटरी नोट सब मिलता है। सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे आइकॉनिक और इसका प्लस का गेट का लगा रखा है, आप चाहें तो कहीं पर भी इस कोड को यूज कर सकते हैं। और ये दोस्तों आपको डाउट पूछना अकेडमी के भेज सकते हैं या फिर टेलीग्राम मुझे ही भेज सकते हैं। दोस्तों मस्त तरीके से 2023-24 की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैं बोल रहा था स्पेशल क्लास है, सभी के लिए फ्री रहती है स्पेशल क्लास, जस्ट कीप ऑन दिस। आरआरबी का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मेरा कोर्स उस पर स्टार्ट होने वाला है विद इन फ्यू डेज। आपको मजा आया होगा तो टेलीग्राम में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यही था दोस्तों हम लोग आज का सेशन। जाने अनजाने कोई मैंने ऐसी बात बोली से आपके दिल को हाथ पहुंची तो अपॉलॉजीज। और यही था हमारा आज का सेशन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया हो। तो एक घंटे मैंने बोला था, ऑलमोस्ट एक घंटे में फिनिश कर दिया मैंने। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको मजा आया कि नहीं। दोस्तों एक चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप अगला केस स्टडी किस ब्रांड पे सुनना चाहते हैं। केस स्टडी ब्रांड भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मुझे दो चीजें बताइएगा, आप अगले केस स्टडी किन पे सुनना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि जिस पे सबसे अधिक वोट होंगे मैं वो लूंगा। और बायोग्राफी किन पे सुनना चाहते हैं आप ये मुझे बताइएगा। जैसे मैं बहुत प्रेफर करता हूँ बायोग्राफीज, केस स्टडीज, ये सब। जैसे अभी लास्ट दो बायोग्राफीज जो हमने देखा था, वो देखा था एस जयशंकर साहब पे और अजीत दोवाल साहब पे। केस स्टडी जैसे हमने देखा था, तो अभी जो श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस उस पर देखा था, और केजीएफ मूवी पे देखा था। केजीएफ मूवी नहीं मतलब केजीएफ क्या था, कोलार गोल्ड फील्ड्स एक्चुअली क्या था। तो आप ये केस स्टडी और इसके अलावा बायोग्राफी, अभी वीडियो पब्लिक होगा वहाँ पे मेंशन कीजिएगा ताकि सभी लोग देख सकें। जिस पे सबसे अधिक वोट होगा मैं उस पे ले लूँगा सेशन। यहीं तक रखते हैं दोस्तों आज का सेशन, नेक्स्ट सेशन फिर से मिलेंगे। बाय बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।